नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वर्ल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता आलोक कुमार की खबर साहिबगंज से। पिछले 12 अप्रैल 2021 को जिरवाबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक झगरू चौकी गुमटी के बगल में मेर के पास एक अज्ञात शव की बरामदगी हुई थी। इस लाश की पहचान उनके भाई बलजीत कुमार, पिता शिवजी राय, ग्राम चिराया टोक, थाना बिछवार बछवाड़ा, जिला बेगूसराय, बिहार ने राजू कुमार राय के रूप में किया है। अपने भाई की हत्या कर उसकी लाश को रेलवे लाइन के किनारे फेंक देने के मामले में बलजीत कुमार राय के लिखित आवेदन के आधार पर बोरियो जिरवाबाड़ी थाना भादवी को प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। बोरियो जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 110/21 दिनांक 13/4/2021 धारा 302/34 भादवी का एक कांड दर्ज हुआ था, जो आवेदक बलजीत कुमार के लिखित आवेदन पर कांड दर्ज किया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया था कि पुष्पराज कंपनी के चालक राकेश कुमार सिंह एवं उसी कंपनी के दो अन्य ड्राइवर के द्वारा आवेदक के भाई राजू कुमार राय की हत्या कर दिया गया है ना। मृतक भी जो था तो पुष्पराज कंपनी का ड्राइवर का चालक था। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया था। टीम के सदस्यों द्वारा इसमें पेशेवर ढंग से और तकनीकी सहयोग से कांड को उद्भेदन किया गया है। कांड के उद्भेदन में यह बात प्रकाश में कि रमेश कुमार और कुंदन रिखिया सर एवं गौतम रविदास दोनों घटना के दिन दिनांक 11/4/2021 को सुअर का मीट लेकर के महादेवगंज स्थित एक होटल है ब्रह्मदेव यादव के पेट्रोल पंप के पास एक होटल के पास गए थे, जहां पर मृतक से दोनों का संपर्क हुआ और सुअर का मीट खिलाने के बहाने ले जा करके ये दोनों गौतम और रमेश मृतक राजू कुमार राय तीनों गए साथ एक साथ बैठ के मीट खाए और शराब पिए। उसी के क्रम में बाता बाती में मारपीट हुआ और चालक की मृत्यु हो गई। इसमें मुख्य कारण क्या रहा सर हत्या का? मुख्य हत्या का कारण तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शराब के नशे में और कुछ होगा। कोई पुरानी रंजिश तो इन लोगों के बीच? नहीं नहीं, पुरानी रंजिश की बात प्रकाश में नहीं है। कितने लोग शामिल हैं अभी, कितने गिरफ्तार किए गए? अभी इस कांड में हत्या कांड में दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और एक आदमी की संदिग्धता आ रही है, जिस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। मृतक का इसमें मोबाइल भी बरामद हुआ है। कहाँ मोबाइल? जो गौतम के द्वारा मोबाइल को बेचा गया था एक लड़का के पास, पंकज के पास बेचा गया था, उसको हम लोग बरामद किए हैं। दो आदमी की गिरफ्तारी हुई और एक और केना केस था बोरियो जिरवाबाड़ी थाना कांड से। ये बोरियो जिरवाबाड़ी थाना कांड संख्या 187/2020 एवं 2/2021 कांड के अभियुक्त हैं भैरव यादव, पिता कमल यादव, कबूतर खोपी चानन, उनको गिरफ्तार किया। किस कांड के? मामला क्या है? मामला आपस में वर्चस्व के लिए गोलीबारी का है, जिसके लिए दो कांड दर्ज हुआ था उनके विरुद्ध, है ना। एक 2/2021 है, एक 187/2020 का।